फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शंस। देखिए, आज इस वीडियो में मैं पांच तरीके की अलग अलग टाइप्स की प्रोटेक्शन आपको बताने वाली हूँ। आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एमएनसी में, कॉर्पोरेट में, बिजनेस, अपने पर्सनली आप अपने पास डेटाबेस को रख रहे हैं, तो वो पाँचों की पाँचों प्रोटेक्शन में से आप कोई भी प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं ताकि कोई भी उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, उसको एडिट, व्यू, रिस्ट्रिक्ट कैसे भी आपको करना है, तो वो सारी मैनेजमेंट आप सिर्फ इस एक वीडियो से सीख सकते हैं। इस पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और अगर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे, तो आपको मेरी हर एक सीरीज का, हर एक वीडियो का ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए बेसिक, एडवांस और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इसी तरीके से लेके आऊंगी। चलिए गाइस, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोटेक्शंस। तो पांच तरीके की जो प्रोटेक्शंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, में भी हो सकता है उसमें से एक आपके लिए बहुत ज़रूरत वाली हो, तो पांचों की पांचों देखिएगा, जो कि पांचों ही मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर मैं अपना डेटा सिक्योर रखना चाहती हूँ। तो पहली प्रोटेक्शन बहुत ही सिंपल प्रोटेक्शन है जिससे आप अपनी एक शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप सामने वाले से एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का एक्सेस छीन सकते हैं। कैसे? तो हम सबसे पहले रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट शीट नाम से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वो सिंपली आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो यहाँ मैं अपना कोई भी पासवर्ड दूंगी, बट पासवर्ड अनफॉरगेटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पासवर्ड दिया, ओके किया, और यहाँ पे अपना फिर पासवर्ड दिया जो कि है 123, और मैं ओके कर देती हूँ। और अब मैं अगर यहाँ काम करने की कोशिश कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे वो काम नहीं होगा, बिकॉज मैंने वो रिस्ट्रिक्शंस दे दी है कि मेरी शीट इस समय प्रोटेक्शन मोड में है। अगर मुझे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके सिंपली अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको वहाँ पे ये पासवर्ड लिख देना है। तो जैसे ही आप ये पासवर्ड लिखेंगे आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। आप लोगों को इस वीडियो के बाद जब ये फाइल मिलेगी गाइस, तो आपको मेरे बताए हुए पासवर्ड को लिख के शीट को अनप्रोटेक्ट करना है। नाउ द सेकंड पासवर्ड इज, अगर सपोज कीजिए मैंने अपनी शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया है, हमने अपनी पिछली वाली शीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया था, लेकिन अगर कोई शीट को डिलीट कर दे तो डिलीट करने का एक्सेस तो हमने उससे नहीं लिया है। तो अब बात करते हैं हमारी वो जो दूसरी प्रोटेक्शन है वो उसी से रिलेट करती है। हमें प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक दोनों एक साथ देनी होती हैं। जब भी मैं यहाँ प्रोटेक्ट शीट दूंगी, मैंने यहाँ अगेन 123 पासवर्ड दिया है, और अब मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे भी पासवर्ड दे रही हूँ जो कि बिल्कुल सेम है 123। अब मैंने दोनों जगह पासवर्ड दे दिया है और अब आप देख सकते हैं सामने वाला काम तो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पासवर्ड दे दिया है। और अब अगर वो डिलीट या रीनेम करना चाहेगा तो मैंने उससे वो एक्सेस भी छीन लिए हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ द थर्ड रिस्ट्रिक्शन इज अलाउ रेंज। अब अलाउ रेंज क्या होता है? सपोज कीजिए मैं किसी के साथ फाइल शेयर करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ उस एक जने को एक्सेस देना चाहती हूँ कि यूनिट सोल्ड में ही काम हो पाए, तो अब यूनिट सोल्ड में काम करवाना है और बाकी सारे कॉलम को प्रोटेक्ट करना है, तो ये काम कैसे करें? क्योंकि प्रोटेक्ट शीट तो पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो यस, घबराइए नहीं, ये काम भी आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अलाउ एडिट रेंज ऑप्शन। तो आपको फटाफट इस पर क्लिक करना है। अलाउ एडिट रेंज का मतलब होता है आप किसी एक रेंज को अलाउ कर रहे हैं एडिट करने के लिए, तो सिंपली मुझे यूनिट सोल्ड को अलाउ करना है। तो मैं यहाँ न्यू में जाऊँगी, न्यू में जाके सिर्फ इस पार्ट को हटा के हमें अपने ई कॉलम को पूरा दोबारा सेलेक्ट करना है ताकि मैं उसको एक रिफ्रेश करके कॉलम बता दूं। अब यहाँ पे आप अपने मनचाहे कितने भी कॉलम ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मैंने दो कॉलम लिए हैं तो वो दो कॉलम को एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। अब इन दोनों रेंज का पासवर्ड हमें फिक्स करना है, तो इन दोनों रेंज का पासवर्ड है 456।
तो अब यहाँ मैं ओके कर रही हूँ और अगेन रीटाइप कर रही हूँ 456 और मैं इसे ओके कर देती हूँ। और अब यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। अब हम अपनी शीट को पूरे पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट करेंगे जो कि दूसरा पासवर्ड होगा, तो दैट इज 123123। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे कितने पासवर्ड हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे 123 मेरा है शीट प्रोटेक्शन का पासवर्ड जो कि कंप्लीट शीट है, और 456 मेरे दो कॉलम का पासवर्ड है यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज कीजिए आप लोगों से ही एडिट करवाना है तो मुझे आप लोगों को कौन सा पासवर्ड शेयर करना होगा? ऑब्वियसली यूनिट सोल्ड वाला 456। तो जैसे ही हम यहाँ चेंज करने जाएंगे वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, और अगर मैं पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट लिखती हूँ तो वो मुझे यहाँ एडिट करने का एक्सेस दे देगा, जबकि अगर मैं इस सेल में एडिट करना चाहूँ तो वो मुझे एडिट नहीं कर दे देगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी को भी कोई पर्टिकुलर रेंज अलाउ करनी है काम करवाने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ योर बोनस ट्रिक गाइस। बोनस ट्रिक में हम करने वाले हैं, सपोज कीजिए किसी एक सेल में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है या कोई भी सेल पे ऊपर देखिए यहाँ फॉर्मूला में वो वैल्यू आ रही है, तो अब हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला हाइड हो जाए, ये वैल्यूज यहाँ शो ना हो, सामने वाला मेरा फॉर्मूला चुरा ना ले, मुझे ये डर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट शीट तो करना ही है, बट प्रोटेक्ट शीट से पहले हमें एक काम करना है, पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ लास्ट ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्शन, और इसमें एक ऑप्शन आता है हिडन, तो हमें यहाँ सिंपली हिडन पे क्लिक करना है और ओके करके अपनी शीट को पासवर्ड दे देना है। तो पासवर्ड है 123, और अब यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला टैब ऊपर वैल्यूज दिखा ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को हिडन कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज, अगर आपको अपनी डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है और आप चाहते हैं कोई भी उसे डबल क्लिक करके ना खोल पाए, तो सिंपली फाइल ऑप्शन पे जाइए, इन्फो में जाइए, इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाइए, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, कि आप अपनी पूरी वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगी, पासवर्ड दूंगी 123, फिर पासवर्ड दूंगी 123, और मैं अगर इस फाइल को यहाँ सेव कर देती हूँ, और हम इसे सेव करते हैं, और अगर हम इसे सेव करते हैं, लेट सपोज हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं पासवर्ड के नाम से, और हमने इसे सेव कर दिया और मैं इस फाइल को बंद कर रही हूँ, और अब जैसे ही मैं इस फाइल को बंद करके ओपन करती हूँ, आप यहाँ देखिए पासवर्ड हमारी ये फाइल हम इसे खोल रहे हैं, और जैसे ही हम इसे खोलेंगे वो मुझसे मांगेगा मेरा पासवर्ड। अब अगर आपको पासवर्ड नहीं पता आप इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे, अगर हमें पासवर्ड पता है वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। तो मेरा पासवर्ड था इस फाइल का 123। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन इज सेल रेंज प्रोटेक्शन। आजकल के टाइम पे कंपनीज में शेयरिंग बेस पे काम होता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे डेटा जो मैंने मेहनत की है उसे कोई ख़राब करे। तो अब अगर मैं सिर्फ मेरे काम को ही प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो वो कैसे हो? मैं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ काम कर ले बट मेरे इस एरिया जितना मेरा डेटा है उसको कोई ना छेड़े। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने होते हैं, पूरी शीट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन में जाके आप देखेंगे यहाँ मेरी पूरी शीट लॉक्ड हुई हुई है। तो सबसे पहले आपको इसको अनचेक करना है, अनचेक करने के बाद ओके कर देना है। इस टाइम मेरी पूरी की पूरी शीट लॉक्ड से हट चुकी है। अब मुझे सिर्फ उतने एरिया को सेलेक्ट करना है जिसे मुझे प्रोटेक्शन में रखना है, तो मैं उतने एरिया को सेलेक्ट करके दोबारा वहीं जाऊंगी, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स पे जाके अब इस एरिया को लॉक कर दूंगी। इन शॉर्ट जितना एरिया आपका लॉक होगा उतना ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ अपने काम वाला एरिया लॉक कर लिया है, और अब इसी को सेलेक्ट रख के आपको रिव्यू टैब में जाके अपनी प्रोटेक्ट शीट का पासवर्ड दे देना है विच इज 123। एंड अब अगर मैं इस जगह काम करती हूँ वो हो पाएगा, लेकिन अगर मैं इस जगह काम करती हूँ वो
नहीं लेगा चेंजेस बिकॉज मैंने अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है। सो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन से अपनी फाइल को सेफ और बचा के रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं और उसमें मिस्टेक्स होने से बचा सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए एजुकेशन मार्ट। बाय बाय।